हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ बस स्टैंड के पास, सुंदरनगर बस स्टैंड के पास। तो ये है सुंदरनगर का बस स्टैंड, बस अड्डा। तो यहाँ से आज मैं मदारी देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो दर्शन करने जा रहा हूँ तो अभी थोड़ी देर में मैं ऐसे निकलने वाला हूँ। अभी बस स्टैंड के पास हूँ। अभी मैं आपको आगे चल के और कुछ बताता हूँ। तो यहाँ से जो है सुंदरनगर से जो है चौक, यहाँ पे हम लोग बस स्टैंड के पास है। तो यहाँ से देखते हैं अब आगे चलने का रास्ता। अब बस स्टैंड के साथ ही लगते यहाँ पे चौपाटी है, चौपाटी बोलते हैं। एक हम अपना पोलो की तरफ जाती है सड़क, और एक ये मदारी देवी के लिए जा रही है सड़क। यहाँ पे चौक है, तो आप यहाँ से ये देखिए ये चौक है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने ऊपर की तरफ जाना है, जो बस आ रही है। तो ये यहाँ पे चौक पे बड़ा रश रहता है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से राइट होना है आपको ऊपर, और अगर आप मंडी की तरफ से आए तो राइट होना है, अगर बस स्टैंड की तरफ से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट होना है। तो यहाँ से मंदिर की दूरी 24 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ, तो आपको मंदिर का नज़ारा भी दिखाते हैं और रास्ता कहाँ कहाँ से जाता है मंदिर की तरफ। ये जो सड़क है ये मदारी देवी की तरफ जा रही है सुंदरनगर से। तो लेफ्ट में जो है बस स्टैंड है, यहाँ से आपको आपको बसें भी काफ़ी मिलती रहती है जाने के लिए। लेदा तक तो काफ़ी बसें हैं वहाँ से। आपको आप पैदल भी जा सकते हैं, और अपनी गाड़ी, आजकल तो गाड़ी हर किसी के पास है, तो आप आराम से। सड़क आगे बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि रास्ता पहले ख़राब होता था, अब तो अच्छा है रास्ता भी। ये साथ में ही सुंदरनगर की झील है, तो अब साथ में ये झील दिखती है आपको। राइट में झील है और लेफ्ट में आपका बस स्टैंड है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जा रहा है मदारी देवी के तरफ सड़क, जो जा रही है रोड जा रही है मदारी देवी की तरफ। तो अभी हम निकले हुए बस स्टैंड से थोड़ा ऊपर है, तो साथ में आपको बढ़िया सा दृश्य झील का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सुंदरनगर की झील है, सुंदर दृश्य। आज थोड़ा मौसम अच्छा भी है, बादल है, पर फिर भी इस टाइम शाम का वक्त है, सुनहरा मौसम है, शानदार। अभी निकलते हैं मदारी देवी है ऊपर, जो आप बिल्कुल हाइट पे देख रहे हैं ऊपर, या बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, वहाँ पे जाना है। तो चलो चलते हैं मदारी देवी माता की तरफ। हेलो, ये यहाँ से रोड जो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है मदारी माता के मंदिर की तरफ को, ये ऊपर की तरफ। और ये जो है झील की तरफ से कच्ची सड़क आती है, ये है वहाँ पे। और अब ये है जो रोड है वो मदारी देवी की तरफ। तो चलते हैं मदारी देवी की तरफ। क्या मतलब, ये हम कपाई पहुंच गए हैं, एक कपाई है यहाँ पे। तो कपाई से आगे निकल गया अब हम लोग, और ये ऊपर जाके चील का जंगल है काफी यहाँ पे भी, यहाँ पत्थर दिखाने भी डरने वाला काम। और अभी हम जा रहे हैं लेदा की तरफ, वापस जाने के लिए। चढ़ाई काफी है, सड़कें अच्छी है इस तरफ। तो अभी पहुंच गए हम लेदा, ये लेदा की एंट्रेंस। और ये जो सामने से सड़क आ रही है, राइट में जो गाड़ी आ रही है, ये आ रही है जाओ की तरफ से, और हमने लेफ्ट की तरफ होना है। और आगे चल पड़े हम लेफ्ट की तरफ होके मदारी देवी की मंदिर की तरफ। और यहाँ सिकंदरा धार बोलते हैं ऊपर की जो हाइट है ऊपर, अभी हम सिकंदरा धार है। यहाँ से जो नीचे से जो सड़क आ रही है, ये पलद्वारा से आ रही है, और मैं जो आने मदारी देवी की तरफ जाना है। तो चलते हैं आप मदारी देवी की तरफ। ये देखिए, और लोग यहाँ पैदल भी चलते हैं,
मंदिर जाने वाले लोग यहाँ से आगे पैदल भी है, गाड़ियाँ कम जाती है, सिंह जाती है यहाँ पे, तो अपने प्राइवेट व्हीकल ही जा सकती है। देखिए धुंध के कारण यहाँ आज अभी धूप नहीं है, बाइक वगैरह जो लाइट जलानी पड़ रही है। यहाँ पे रास्ता ख़राब है अभी बहुत बुरी तरह से बरसात के कारण, तो हमारे मित्र जी बोल रहे कि यहाँ तो बड़ा बुरा, मैं पैदल भी नहीं चल सकता और गाड़ी पता नहीं फंस जाएगी यहाँ की। सर निकल जाएगी गाड़ी की? नहीं निकलेगी भाई, कोशिश जारी है, निकल जाएगी। डर के आगे जीत है। अच्छा, डर के आगे जीत है, चलो जी देखते। तो आप देख रहे हैं अभी धुंध बहुत है, आगे देखिए यहाँ पे रोड पे। ये है रोड मर्यादा देवी का, रोड तो कुल मिला के चलो ठीक ही है, बीच बीच में खराब भी था ये। और यहाँ से गांव से गांव की बकरियाँ भी आ रही है, तो अभी बहुत सारी भेड़े भी है, बकरियाँ भी है। ये जो रोड जा रही है, ये ऊपर एक और मंदिर है, जय सिद्ध बाबा कमलैया, जय सिद्ध बाबा कमलैया। तो ये रोड जा रहा है यहाँ से, देखिए कितनी हाइट पे है, और हमने जाना है मर्यादा देवी के रोड पे। तो ये जा रहा है रोड, और अब चलते आगे। अभी हम पहुँच गए मर्यादा देवी मंदिर के, यहाँ तक सड़क जाती है, तो ये बिल्कुल हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और यहाँ पे पहुँच गए। और ये है वन विभाग का विश्राम गृह है, अगर किसी को रात वगैरह हो जाए तो आप यहाँ पे भी ठहर सकते हैं। तो ये आपको अगर रुकना हो कभी तो यहाँ रुक सकते हैं, वैसे तो मंदिर में भी है जगह किसी को, अगर मंदिर की बजाय अगर आपको बाहर भी रहना तो आप यहाँ भी बुक करवा सकते हैं रेस्ट हाउस। तो आज बस एक ही कारण रहा कि मौसम खराब हो गया है, जब सुंदरनगर में थे तो बहुत गर्मी थी और यहाँ आके देखिए अब ठंड लग रही है, रोड का भी ये हाल है। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए गेट है, यहाँ पे मुख्य द्वार है, नीचे से जब हम आ रहे हैं तो ये देखिए बहुत सुंदर बनाया हुआ गेट भी यहाँ पे। तो बस एक ही कमी है, आज मौसम के खराब होने की वजह से इतना अच्छा नहीं आ रहा दर्शन करने से। तो आगे हम लोग चलते आगे यहाँ से सीढ़ी से, ये यहाँ से मंदिर का जो नीचे जो मुख्य गेट है यहाँ से, तो ये हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो अच्छा है यहाँ पे बारिश भी होती है, तो अभी आप भीग नहीं पाओगे क्योंकि ऊपर से छत भी लगाई हुई है। चलते अब जय माता दी करते हुए। जय हो माता। शायद साहब चलिए मंदिर की तरफ आप। और ये देखिए छत वगैरह पड़ी हुई है, अगर बारिश भी होती है तब भी हमें कोई ये नहीं कि बारिश से डरना है। तो आप मंदिर आइए, अभी बाहर बारिश पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम लोग बड़े आराम से जा रहे हैं, काफी सीढ़ी है अभी तो मंदिर तक। ये वाली पार्किंग अभी बनी हुई, काफी पहले थी नहीं है, अब तो गाड़ी खड़ी करने की भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पार्किंग बन गई यहाँ, तो आप गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हो और बैठने के लिए अच्छी सीढ़ी वगैरह बनाई हुई यहाँ पे। तो यहाँ से दिखाता आपको मंदिर का व्यू, परंतु मौसम खराब होने की वजह से जो है कुछ दिख नहीं रहा आज। तो ये है, अब हम तो छत के नीचे जाएंगे ऊपर मंदिर तक, बारिश का हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
चलते हैं अब आगे। थक गए आप? अभी शान साहब हमारे चल तो रहे लेकिन थक गए हैं। भाई साहब थक गए आप? अभी कितनी 50 सीढ़ियां भी आप नीचे चढ़ी हो, थक गए? तभी बोलता हूँ सुबह सुबह जॉगिंग करा करो। अभी पहुँच गए हम माता के मंदिर में। तो ये है यहाँ पे मंदिर में जैसे पहुँचते हम, यहाँ पे हाथ धोने के लिए पीने का पानी है यहाँ पे। तो साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है यहाँ पे भी मंदिर में, और हर तरह से आप यहाँ पहले हाथ धीरे धो सकते हैं, पाँव हाथ जो भी धोने हैं, तो फिर उसके बाद आप मंदिर। और यहाँ बैठने के लिए अच्छा प्रबंध किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपने शूज़ वगैरह यहाँ उतार सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ बैठने का ये बना हुआ, इधर आराम भी कर सकते हैं आप। तो अब हम पहुँच गए हैं मेन मंदिर की सीढ़ियों पे। ये माता का मंदिर की सीढ़ी है यहाँ पे मेन, और अब चलते आगे मंदिर के पास। और ये है माता का मंदिर। आज आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि आज मौसम ख़राब है, इस वजह से हम ढंग से नहीं देख, दर्शन नहीं हो रहे आप लोगों को अच्छी तरह से। तो यहाँ का जो नज़ारा है पूरा सुंदरनगर यहाँ से दिखता है, और बहुत ही सुंदर व्यू होता है यहाँ से। तो अब चलते हम मंदिर की तरफ। ये है माता मंदिर, ये आप देख सकते हैं, आगे जाके मेन गेट है। ये है माता का मुख्य द्वार, आपका दरबार। ये मैं अभी आपको अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए आप, ये है माता का मंदिर। बहुत ही अच्छा, ये यहाँ पंडित जी है, पंडित जी ने अभी हमें प्रसाद वगैरह भी दिया। तो पंडित जी आप सुबह से कितने बजे से आ जाते हैं यहाँ पे? 5 बजे से कितने बजे तक? शाम 9 बजे तक आप ही होते हैं यहाँ पे, तो कंटिन्यू होते हैं? बीच में और भी आते हैं कोई पंडित वगैरह जैसे दूसरे भी? आप दो होते हैं ना? अच्छा अच्छा जी, 5 से 1। अच्छा, तो आरती के टाइम आप होते हैं, जैसे शाम को अभी आरती होती है आपकी, उस टाइम आप होते हैं? अच्छा अच्छा जी। तो ये यहाँ पे पंडित जी है जो यहाँ सुबह भी पूजा अर्चना करते हैं, और शाम के टाइम भी यहाँ पे होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो ये है माता का मंदिर, माता की मूर्ति है। और अभी इन्होंने सारा जो है कि पंडित, कितना टाइम हुआ है इसको बने हुए, जो ये बाहर से जो आपने चांदी का 3-4 साल हुआ इसको? तो पहले तो हुआ नहीं करता था ये जो बाहर वाला जो ये चीज़ ना, पहले नहीं होती थी, बाद में बनी। हाँ, तो ये पहले नहीं होता था, अभी 3-4 साल हुए इस चीज़ को बने हुए। तो जो भी यहाँ हमारे हिमाचल में सुंदरनगर में पड़ता है मरियाजी माता का मंदिर, और ये सुंदरनगर से 24-25 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज थोड़ा मौसम ख़राब है, इस वजह से नहीं तो आपको सुंदरनगर और इस दूसरी तरफ को जाओ वगैरह पड़ता है। तो अभी आपको मैं करवाता हूँ माता के दर्शन। तो आप लोग भी माता के चरणों में अपना आशीर्वाद लें, और मरियाजी माता जो है सभी की रक्षा और हर परिवार को जो खुशी मिले। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी दृश्य दिखाता हूँ। अब चलते हैं बाहर की तरफ।
अब ये साइड में जो है यहाँ पार्क बना हुआ है, पर धुंध के कारण अभी दिखाई नहीं दे रहा है हमें कि क्या। बहुत अच्छा व्यू है वैसे यहाँ का। और ये मंदिर की देखो अभी लाइटें भी जल, ये देखो जल गई लाइटें भी, और अंधेरा इतना हो गया अभी 6:30 बजे का टाइम है। दिन होता तो मैं आपको जाहू की तरफ और बरमाना और सुंदरनगर यहाँ से बड़े अच्छे दिखते हैं, पर धुंध बहुत है इसलिए कुछ नहीं देख पाते। और ये नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं इधर लंगर लगता है, दिन को भी ये लंगर का बना हुआ हॉल यहाँ पे। तो यहाँ अभी शाम का समय है, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई अगर खाने वाला आता है तो ये खाना भी खिलाते हैं शाम को भी, और दिन में तो चलता ही है लंगर। तो अब निकलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, और ये यहाँ ऊपर यहाँ कैंटीन वगैरह भी है, किसी को अगर कैंटीन में कुछ खाना हो ठंडा चाय। पहले कैंटीन थोड़ी पीछे होती थी मंदिर के साथ, अब इन्होंने चेंज कर दी, अभी थोड़ा सा आगे कर दिया ना, थोड़ा दूर कर दिया मंदिर से, तो आप यहाँ पे आके कुछ भी खा सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, तो आपको कैसा लगा? तो ज़्यादा बोलते हुए जय माता दी करते हैं।